But first, good morning student. I hope you are very well. Today I am going to recite a poem, Good Morning. Dear student, I am Sonalini Mishra from MIMS. Today I am going to teach about Good Morning. Unit 1, NCERT book, class 4-3. Read and enjoy this poem. Okay? So dear student, I want to common discuss with you about this unit. And what is the topic of this unit? Good morning. Dear student, what is the spelling of good morning? G-O-O-D, good, M-O-R-N-I-N-G, morning, good morning. गुड मॉर्निंग दैट मीन गुड मॉर्निंग मीन्स क्या होता है सुप्रभात जैसे अपने मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना सभी बड़े लोग को गुड मॉर्निंग बोलते हैं उसी तरह से ये पोएम का टॉपिक है गुड मॉर्निंग इस पोएम में एक गर्ल है जो सभी इसका है गुड मॉर्निंग इसका है गुड मॉर्निंग सन गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स एंड गुड मॉर्निंग बर्ड्स एंड गुड मॉर्निंग ट्रीज जो गर्ल है वो सभी को गुड मॉर्निंग बोलती है और जैसे आप सभी लोग बड़े लोग को गुड मॉर्निंग बोलते हैं उसी तरह से वो गर्ल भी है जो उठती है और सबको गुड मॉर्निंग बोलती है एट फर्स्ट आई एम रीडिंग दिस पोएम एंड आफ्टर दैट यू हैव एंड सेंड मी योर रिकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पोएम इज गुड मॉर्निंग स्काई गुड मॉर्निंग सन Good morning, little winds that run. Little winds that run. Good morning, birds. Good morning, trees. जो इसमें girl है वो सुबह उठती है और सबको बोलती है good morning sky. Good morning sky that. इसके बाद बोलती है good morning sun. Good morning, little winds that run. Good morning, birds. Good morning, trees. Girl जो है वो बोल रही है कि good morning sky. Sky means आकाश. गुड मॉर्निंग आकाश गुड मॉर्निंग सन सन दैट मीन्स सूर्य गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन जो ये ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना उसको भी वो जो लड़की है वो बोल रही है कि गुड मॉर्निंग विंड्स दैट रन गुड मॉर्निंग बर्ड्स मीन्स जो छोट पक्षियाँ रहती है ना उसको बोलते हैं गुड मॉर्निंग ट्रीज वो पेड़ों को भी गुड मॉर्निंग कर रही है इस तरह से वो जब सुबह उठती है तो उसकी सुबह जो है वो सभी को गुड मॉर्निंग बोल के उसकी सुबह की शुरुआत होती है जैसे आप लोग की शुरुआत कैसे होती है अपने मम्मी पापा दादा दादी जो भी बड़े लोग हैं उनको गुड मॉर्निंग बोल के आप और हमें बड़े लोग को गुड मॉर्निंग भी बोलना चाहिए सभी को गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए अपने तो गुड मॉर्निंग है तो मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग सभी का हमें गुड मॉर्निंग करना चाहिए हमको ये हमारे गुड मैनर्स कहलाते हैं ओके सो डियर स्टूडेंट वंस अगेन रिपीट दिस स्टैंजा गुड मॉर्निंग स्काई गुड मॉर्निंग सन गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन गुड मॉर्निंग बर्ड्स गुड मॉर्निंग ट्री डियर स्टूडेंट आपको ये लर्न करनी है राइट करनी है नोटबुक में ओके नेक्स्ट स्टैंजा है एंड क्रीपिंग सो डियर स्टूडेंट एंड ग्रास एंड हनी बीज हाउ डिड यू फाइंड Out is it was day. Who told you night had gone away? I am wide awake. I am up now too. I'll be right out to play with you. वो कहती है and creeping grass. Good morning, creeping grass and brownie bees. How did you find out it was day? क्रीपिंग ग्रास दैट मीन्स जो छोटी छोटी घास रेंगती हुई घास रहती हैं छोटी छोटी घासें दिखती हैं उनको कहती है गुड मॉर्निंग एंड ब्राउनी बीज क्रीपिंग ग्रास मीन्स छोटी छोटी घासें रहती हैं एंड ब्राउनी बीज मीन्स जो मधुमक्खी रहती है कहते हैं ब्राउनी बीज हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे आपको कैसे पता चलता है कि दिन हो गया है हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे और कौन बताता है आपको कि रात चली गई है आई एम वाइड अवेक मैं जाग चुकी हूँ आई एम अप नाउ टू और मैं अब उठ चुकी हूँ उठ रही हूँ
आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू, और मैं आपके साथ आ रही हूँ बाहर खेलने के लिए. प्ले विथ यू, प्ले विथ यू दैट मीन्स साथ, आपके साथ खेलने के लिए आ रही हूँ. तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो गर्ल है वो सभी को गुड मॉर्निंग कहती है. गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग ट्रीज एंड गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज. हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज अ डे? हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे? आई एम वाइड अवेक, आई एम अप नाउ टू, आई विल राइड आउट टू प्ले विथ यू. सो वो इस पोएम में कह रही है कि सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को, और छोटी छोटी जो घासें हैं उनको तक गुड मॉर्निंग. ब्राउनी बीज जो मधुमक्खियाँ रहती हैं उनको बोलते हैं ब्राउनी बीज, तो उसको भी गुड मॉर्निंग कह रही है. और वो पूछ रही है उनसे कि आपको कैसे पता चल जाता है कि दिन हो गया, और कौन आपको बताता है कि रात जा चुकी है? मैं तो जाग चुकी हूँ, पूरी तरह जाग चुकी हूँ. आई एम वाइड अवेक, आई एम अप नाउ टू, और मैं जाग चुकी हूँ, मैं उठ चुकी हूँ. आई विल राइड टू आउट टू प्ले विथ यू, और मैं आपके साथ खेलने के लिए बाहर आ रही हूँ. सो डियर स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड. डियर स्टूडेंट, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? इस पोएम के कवि कौन है? फैनिन आर बुकेन. ओके, फैनिन आर बुकेन इज द पोएट ऑफ दिस पोएम. फैनिन आर बुकेन जो है इस कविता को लिखे हैं. ओके, टोल्ड दैट मीन्स टेल का सेकेंड फॉर्म है टोल्ड, TOLD, टोल्ड मीन्स सेकेंड फॉर्म है टेल का. टेल मीन्स होता है कहना, बताना. अवेक, AWAKE, अवेक मीन्स जागना.